ये वन डे ट्रिप मैंने सिर्फ 1500 रुपीज़ में किया है। अगर आपको जानना है कैसे तो वीडियो एंड तक ज़रूर देख लेना। Check the mic and make sure it sound right, boys. Okay, ये तो बहुत ऑब्वियस ही बात है कि सुबह आप जितने जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इसलिए मैंने 7:30 बजे स्टार्ट किया और सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने में कुलवंत सिंह पहुँचा। अमृतसर के कुलचे बहुत ही फेमस है और मैंने पहले कभी कुलचे ट्राई नहीं किए थे, इसलिए मैंने सबसे पहले कुलवंत सिंह आके पनीर कुलचा ऑर्डर किया एंड ऑफ कोर्स चाय। इसके बिना तो मेरी पूरी दुनिया ही अधूरी है। ब्रेकफास्ट करते ही मैं तुरंत जलियांवाला बाग पहुंचा और मैं कहूंगा कि वाव, व्हाट अ अवेकनिंग एक्सपीरियंस इट वॉज। हमारे हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक्स में जलियांवाला बाग की हिस्ट्री बस दो पैराग्राफ्स में ही निपटा देते, पर यहाँ के आपको पता चलेगा कि यहाँ की हिस्ट्री की डेप्थ कुछ और ही है। जब 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर के लोग यहाँ बैसाखी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने इकट्ठा हुए थे, तब ब्रिटिशर्स ने बिना कोई वार्निंग दिए हज़ारों लोगों पर गोलियाँ चला दी और इसी ब्रूटल इंसिडेंट को जलियांवाला बाग मैसेकर कहा जाता है। और ये जो 30-40 फुट का कुआं है जिसको शहीदी कुआं भी कहा जाता है, वो पूरा 30-40 फुट का कुआं लोगों की लाशों से भरा हुआ था। और ये वाइट बॉक्सेस में वही गोलियों के निशान हैं जो ब्रिटिशर्स ने अमृतसर के लोगों पे चलाई थी। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे टाइम निकाल के आना, क्योंकि यहाँ की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स के दो पैराग्राफ्स भी बहुत ज़्यादा गहरी है। बहुत हैवी हो गया ना सब कुछ, चलो आपका सोल लाइट करने के लिए गोल्डन टेम्पल चलते हैं। गोल्डन टेम्पल में एंटर करने से पहले आप अपने शूज़, सॉक्स और लगेज यहाँ पे सबमिट कर सकते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट अपना सिर किसी कपड़े के साथ कवर कर लेना। यहाँ से अंदर जो गोल्डन टेम्पल का जो मेन एरिया है जहाँ पे सब लोग अपना माथा टेकते, वो एरिया मैं आपको एक्चुअली नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि वहाँ पे अंदर कैमरास अलाउड नहीं है, पर आपको अगर फिर भी देखना हो तो आप गूगल करके वो देख सकते हो। पर वेट, अभी नहीं, वीडियो ख़त्म होने दो, वीडियो ख़त्म होने के बाद फिर देख लेना। और ये जो पेड़ है ये सिखिज़्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो यहाँ पे 2 मिनट के लिए पॉज करके आप इस बोर्ड से ही हिस्ट्री पढ़ सकते हो। मैंने अपना दोपहर का खाना यहाँ लंगर में ही खा लिया और यहाँ लंगर में 24/7 विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सभी लोगों को फ्री में खाना खिलाया जाता है। तो जलियांवाला बाग में अपना सोल हैवी करने के बाद मैं गोल्डन टेम्पल गया अपना सोल लाइट करने के लिए, सोल लाइट हो गया। और उसके बाद फिर जब मैं पार्टीशन म्यूजियम गया, मेरा सोल फिर से वापस हैवी हो गया, क्योंकि यार मैं एक हिस्ट्री का फ़ैन हूँ, मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है और मुझे ये जानना होता है कि उस टाइम पे वहाँ उस वक्त क्या हुआ था। इसलिए मैं उन लोगों में से हूँ जो म्यूज़ियम का
एक पार्ट देखने के लिए कम से कम 30 मिनट मैं स्पेंड करता हूँ। पर अगर आप उन लोगों में से हो जो 4 फ्लोर का म्यूजियम बस 10 मिनट में देख के ख़त्म कर सकते हो, तो मे बी ये म्यूजियम आपके लिए नहीं है। इस म्यूजियम के अंदर भी कैमराज अलाउड नहीं है, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यार देख लेना ये म्यूजियम, क्योंकि अगर आपको जानना है कि पार्टीशन के टाइम पे लोगों के ऊपर क्या बीती थी, उनका जो भी सामान था, उनका जो भी मतलब बैकपैक था उस टाइम का, उनके जो कपड़े थे उस टाइम के, वो आज भी इस म्यूज़ियम में बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये म्यूज़ियम देख लेना, इसको मिस मत करना। ओके, तो अगर आप वाघा बॉर्डर जाना चाहते हो तो गोल्डन टेम्पल के ठीक बाहर आपको रेड कलर की हॉप ऑन हॉप ऑफ करके एक बस मिलेगी। वो बस आपको 250 रुपीज़ में वाघा बॉर्डर का जो मेन एरिया है वहाँ तक आपको पहुँचा देगी। तो मैं तो कहूँगा कि अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, पर अगर आप ग्रुप में जा रहे हो देन गोइंग बाय टैक्सी डेफिनेटली मेक सेंस। मेरे टाइम पे वाघा बॉर्डर की परेड कोविड की वजह से कैंसिल कर दी गई थी, पर आप दोपहर 2 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक वाघा बॉर्डर की परेड अटेंड करके शाम का डिनर आप यहाँ केसरदा ढाबा में कर सकते हो। ये एक बहुत ही आइकॉनिक ढाबा है जो 1916 में लेफ्टिनेंट लाला केसरमल जी ने शेखपुरा पाकिस्तान में स्टार्ट किया था। मतलब ये ढाबा 100 सालों से भी बहुत पुराना है, और पार्टीशन से पहले इस ढाबा को पाकिस्तान से अमृतसर शिफ्ट किया गया था। मुझे एक रैंडम ट्रैवलर ने बताया कि गोल्डन टेंपल रात में और ज़्यादा खूबसूरत दिखता है, और मेरे पास फ्री टाइम था इसलिए मैं वापस गोल्डन टेंपल देखने गया, एंड दैट डूड वाज 100% राइट। ये रात में सही में और ज़्यादा ब्यूटीफुल और ज़्यादा गोल्डन दिखता है। तो ये है मेरा एक दिन का बजट ब्रेकडाउन, पर आपका बजट इससे ज़्यादा भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है, तो जस्ट फिगर आउट अकॉर्डिंगली। अमृतसर की ना एक ड्यूअल वाइब है, एक स्पिरिचुअल वाइब है और एक पेट्रियोटिक वाइब है, और मैं तो ये दोनों भी वाइब्स एंजॉय कर रहा था। और मैंने ये पूरी ट्रिप सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये में की है, और वन वे ट्रिप है। अगर आप ट्रेन से जा रहे हो तो थोड़ा चीप पड़ेगा, अगर आप फ्लाइट से जा रहे हो तो वन वे फ्लाइट आपको 6000 की पड़ेगी। आप कैसे भी जाओ यार, आई डोंट नो, बट आप जाके आओ वहाँ पे। ओके, तो पंजाब की सबसे क्रेजी बात मुझे ये लगी कि हर 1 किलोमीटर पे आपको आइल्स के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिसके आप एग्ज़ाम देके कनाडा यूएस यूके जा सकते हो, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के आपको हर 1 किलोमीटर पे आपको बिलबोर्ड्स या एडवर्टीजमेंट्स मिल जाएंगे। मतलब जो पंजाब के लोगों का जो कनाडा के साथ जो ऑब्सेशन है वो सही में रियल है, और मुझे लगा कि ये बस मीम्स में दिखाते होंगे कि पंजाब के लोग कनाडा से ऑब्सेस्ड है, पर ये मीम्स का मटेरियल नहीं है, ये रियलिटी है वहाँ की। तो वो चीज़ मुझे सबसे फनी लगी। और एक बात, होटल में चेक इन चेकआउट करने से पहले वहाँ का जो टाइमिंग है वो चेक कर लेने एक बार, वरना बिना वजह आपको बस 2 या 3 घंटे के लिए आपको एक्स्ट्रा 500 या 600 रुपीज़ देने पड़ेंगे, तो वो बात कन्फर्म कर लेना। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अमृतसर की ना एक ड्यूअल वाइब है, एक हिस्टोरिक वाइब और एक है